मालदा थाना अचलगंज का है। संदीप कुमार के साथ राहुल लोहान कर दिया गया। आइए आगे का हाल हम आपको दिखाते हैं। क्या नाम है भाई जी? संदीप कुमार नाम है सर हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? चौहंधा गांव हमारा, थाना अचलगंज साहब। आप जो वारदात हुई उसको पूरी डिटेल से आप बताइए, क्या हुआ? सर हम लोग थाने से आ रहे थे FIR करके, इन लोगों ने दिन में पहले गाली गलौज करी थी। हम ड्यूटी पे थे, हमारे बच्चे छोटे छोटे, उन्होंने फ़ोन करके हमको बुलाया। तो हम जब गए तो प्रधान बुला के समझाया भी गया, लेकिन इन लोगों को समझे नहीं। उसके बाद हम गए थाने FIR करने। FIR करके वापस आ रहे थे हम, हमारे संग एक बुजुर्ग थे हमारे पड़ोसी, जिनका नाम मोतीलाल है, वो लोग रैदास हैं, और आ रहे थे हमारे घर से। पहले इनका घर पड़ता करीबन 3-4 घर पहले छोड़ गए, वहीं पे इन लोगों ने पहले रोक लिया। पता नहीं बंदूक थी इनके हाथ में शायद, बोले रुक घोसड़ी वाले। तो जैसे रुके, इनके साथ 10-12 लोग तकरीबन 7-8-10-12 लोग कैसे थे, लमसम औरतें आदमी लगा के, तो इन्होंने सिर्फ लाठी बरसाना शुरू किया है। तो हमारे संग जो मोतीलाल थे वो गिर गए, हमारी खोपड़ी पे इतनी लाठी मारी, हमको मार के वहीं पे घेर दिया। हम लोग बाइक से थे। उसके बाद में हमारे ने चिल्लाया तो हमारे यहाँ माता जी भाई ये दौड़े, तो वो भी मारे गए। उसके बाद हमें सर होश नहीं है कि हम क्या है क्या नहीं है, वहीं पे हम गिर गए। आपने कार्रवाई पुलिस को सूचना दी? हम तो सर यहीं अस्पताल में, हमारे भाई गए हुए थे, तो उसमें शायद FIR लिखी गई है। उसमें से इनके 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से दीपू शायद है, रंजीत है और प्रताप है सर, और मेन आरोपी है सेवक अमोले, ये दोनों फरहार हैं, ये नहीं पकड़े गए अभी सर। और कुल्हाड़ी से वार किया है क्या आप? हाँ सर, इनके पास कुल्हाड़ी है, तब्बल कुछ ऐसे धारदार भी थे। एक यहाँ पैर पे भी मारा है, यहाँ मार के गिराया, ये यहाँ मारा, यहाँ पे बहुत सारी लाठी मारी है, और यहाँ पीठ पे भी है सर, ये पीठ पे है, पीछे पीठ पे सारे सर दाग दाग ही है, और यहाँ सर पर बहुत है, पीठ पे सर बहुत सारे हैं, देख रहे हैं वीडियो बना, बहुत लाठी से मार के गिराया हुआ। और वो जो मोतीलाल थे उनका भी हाथ टूटा हुआ है यहाँ से,